आज हम आपको पूर्णागिरी मंदिर के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर माता के 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह किया तब भगवान शिव माता की मृत देह लेकर सारे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि में अर्थव्यवस्था फैलने लगी। तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए माता सती की पार्थिव देह को अपने सुदर्शन चक्र से नष्ट करना शुरू कर दिया। सुदर्शन चक्र से कटकर माता सती के शरीर का जो अंग जहां गिरा वहां माता का शक्तिपीठ स्थापित हो गया। इस प्रकार माता के कुल 108 शक्तिपीठ हैं। इनमें से उत्तराखंड चंपावत के अन्नपूर्णा पर्वत पर माता सती की नाभि भाग गिरा, इसलिए वहाँ पूर्णागिरी मंदिर की स्थापना हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास पांडवों द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और इस यज्ञ में प्रयोग किए गए अतः सोने से यहां एक सोने का पर्वत बन गया। 1632 में कुमायूं के राजा ज्ञानचंद के दरबार में गुजरात से श्रीचंद तिवारी नामक ब्राह्मण आए। उन्होंने यहाँ बताया कि माता ने स्वप्न में इस पर्वत की महिमा के बारे में बताया है। तब राजा ज्ञानचंद ने यहाँ मूर्ति स्थापित करके इसे मंदिर का रूप दिया। माता के दर्शन के लिए यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं, परंतु चैत्र माह और ग्रीष्म नवरात्र के दर्शन का विशेष महत्व है। चैत्र माह से यहाँ 90 दिनों तक पूर्णागिरी मंदिर का मेला भी लगता है। सिद्ध बाबा के बारे में कहा जाता है कि एक साधु ने घमंड में वशीभूत होकर जिद में माँ पूर्णागिरी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, तब माता पूर्णागिरी ने क्रोधित होकर साधु को नदी पार फेंक दिया, जो हिस्सा वर्तमान में नेपाल में है। बाद में साधु द्वारा माफ़ी मांगने के बाद माता ने दया में आकर साधु को सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और कहा कि बिना तुम्हारे दर्शन के मेरे दर्शन अधूरे होंगे, अर्थात जो भी भक्त पूर्णागिरी मंदिर जाएगा उसकी यात्रा और दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक वह सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं करेगा। यहाँ सिद्ध बाबा के लिए मोटी मोटी रोटियाँ ले जाने का रिवाज भी प्रचलित है। पूर्णागिरी धाम के झूठे का मंदिर की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सेठ संतान विहीन थे। एक दिन माँ पूर्णागिरी ने स्वप्न में कहा कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हें पुत्र प्राप्त होगी। सेठ ने माता के दर्शन किए और मन्नत मांगी, यदि उसका पुत्र हुआ तो वह माँ पूर्णागिरी के लिए सोने का मंदिर बनाएगा। सेठ का पुत्र हो गया, उसकी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन जब सेठ की बारी आई तो सेठ का मन लालच से भर गया। सेठ ने सोने की मंदिर के स्थान पर तांबे के मंदिर में सोने की पालिश चढ़ाकर माँ पूर्णागिरी को चढ़ाने चला गया। कहते हैं कि टुन्यास नामक स्थान पर पहुँचने के बाद वह मंदिर आगे नहीं ले जा सका, वह मंदिर वहीं जम गया। तब सेठ को वह मंदिर वहीं छोड़ना पड़ा। वही मंदिर अब झूठे का मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में बच्चों के मुंडन संस्कार किए जाते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इसमें मुंडन कराने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। पूर्णागिरी का मंदिर कैसे जाएं? पूर्णागिरी धाम की यात्रा यातायात के सभी प्रारूपों द्वारा सुगम है। पूर्णागिरी मंदिर की यात्रा गर्मियों में ज़्यादा अच्छी होती है, विशेष तौर से 30 मार्च से अप्रैल मई तक। इस समय यहाँ पूर्णागिरी का मेला भी चलता है और धार्मिक महत्व भी है इस समय का। मौसम के हिसाब से भी यह पूर्णागिरी यात्रा का सबसे सुगम समय है। हवाई मार्ग से पूर्णागिरी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। पंत नगर नैनीताल जिले में स्थित है। यह पूर्णागिरी से 160 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पुण्यगिरी पूर्णागिरी को टैक्सी बस ऑटो सब उपलब्ध है। रेल मार्ग से पूर्णागिरी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ पूर्णागिरी मंदिर। टनकपुर से पूर्णागिरी को टैक्सी उपलब्ध है। टनकपुर रेलवे स्टेशन भारत के बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। सड़क मार्ग से पूर्णागिरी की यात्रा कर सकते हैं। टनकपुर देश के सभी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। टनकपुर से पूर्णागिरी लगभग 20 किलोमीटर दूर है। टनकपुर तक दिल्ली लखनऊ देहरादून या किसी अन्य शहरों से बस में आसानी से आ सकते हैं। पूर्णागिरी का मेला हमेशा 19 मार्च 2022 से शुरू हो जाता है, जो कि 90 दिन तक चलता है। जय माता दी।